गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज क्लास 7 चैप्टर 36 लिटरेचर क्विज. टेक द करेक्ट आंसर. आर के नारायण हैज हिज स्टोरीज सेंटर्ड अराउंड विच इमेजिनरी प्लेस. आर के नारायण ने जो स्टोरी लिखी थी वो किस उनकी स्टोरी में किस जगह का वर्णन किया गया है, उस प्लेस का नाम क्या है. ऑप्शन इज लालगुड़ी, कालगुड़ी, मालगुड़ी, तालगुड़ी. करेक्ट ऑप्शन इज मालगुड़ी. उनकी जो स्टोरी है मालगुड़ी डेज, ठीक है, उनकी स्टोरी का नाम क्या है, मालगुड़ी डेज. विच इंडियन राइटर हैज अ नेशनल पार्क नेम्ड आफ्टर हिम. कौन से इंडियन राइटर के नाम पे नेशनल पार्क बना है. What is the name of that Indian writer? Henry Jones, Shombit Ray, Satyajit Ray, Jim Corbett. Answer is Jim Corbett. Jim Corbett National Park is situated in Uttarakhand. Uttarakhand में ये Jim Corbett National Park बना हुआ है और ये एक Indian writer थे जिनका नाम था James Corbett, है ना. उन्हीं के नाम पे ये नेशनल पार्क बना था जिसका नाम रखा गया था जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क. इट इज इन उत्तराखंड. विच इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज ऑल्सो अ पोएट. कौन से इंडियन प्राइम मिनिस्टर थे जो कि एक पोएट भी थे. हु वॉज ही. अटल बिहारी वाजपेयी, इंदिरा गांधी, पीवी नरसिम्हा राव, राजीव गांधी. ऑप्शन इज अटल बिहारी वाजपेयी. ही वॉज अ पोएट एज वेल एज अ राइटर ऑल्सो. उन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है फोर डिकेड्स इन पार्लियामेंट. नेक्स्ट इज हूज स्टोरी इज बेस्ड ऑन द रियल लाइफ एडवेंचर ऑफ अलेक्जेंडर सेलकिर्क. इनमें से किनकी लाइफ रियल लाइफ जो है वो अलेक्जेंडर सेलकिर्क के बेस पे है, मतलब अलेक्जेंडर सेलकिर्क के जैसी ही उनकी लाइफ भी है मैच करती हुई. ऑप्शन इज रॉबिन्सन क्रूजो, सोली सरबजीत, पीटर पैन, एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ दिस. करेक्ट इज पीटर पैन. पीटर पैन की जो लाइफ है इट इज़ बेस्ड ऑन द रियल लाइफ ऑफ अलेक्जेंडर सेलकिर्क. अलेक्जेंडर सेलकिर्क जो है वो एक स्कॉटिश नेवी ऑफिसर थे. विच नोवेल बाय चार्ल्स डिकिन इज सेट अराउंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन. चार्ल्स डिकिन की कौन सी नोवेल जो है वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के आसपास ही पब्लिश हुई थी. A Tale of Two Cities, Meghdootam, A Midsummer Night's Dream, Malvika Agnimitra. Correct option is A Tale of Two Cities. Whose greatest work in literature is Prajna Paramita Sutra Shastra. इनमें से ये एक literature था प्रजना प्रमित्र सूत्र शास्त्र. ये किसका वर्क था, किसकी लिटरेचर थी. पतंजलि, नागार्जुन, माघ, अश्वघोष. करेक्ट ऑप्शन इज अश्वघोष. विच प्ले बाय विलियम शेक्सपियर इज ट्रेडिशनली performed at 9 PM on 23 June every year. William Shakespeare का कौन सा play है जो कि traditionally हर साल 9 बजे 23 जून को होता है. The Minister's Signet Ring, A Midsummer Night's Dream, Malvika Agnimitra, A Tale of Two Cities. करेक्ट ऑप्शन इज अ मिडसमर नाइट ड्रीम्स. विच ग्रेट ऑथर एंड ह्यूमरिस्ट इज बिलीव टू बी द फर्स्ट राइटर
टू हैव यूज्ड अ टाइपराइटर. कौन से ऐसे ऑथर थे और ह्यूमरिस्ट, ह्यूमरिस्ट का मतलब होता है कॉमेडियन, वो ऑथर भी थे और कॉमेडियन भी थे. और ये माना जाता है कि ये पहले ऐसे राइटर थे जिन्होंने टाइपराइटर का यूज़ किया था. हु वॉज ही? सूद्रक, जयललिता, मार्क ट्वेन एंड लिविस कैरल. करेक्ट ऑप्शन इज मार्क ट्वेन. ही वॉज द फर्स्ट ऑथर एंड ह्यूमरिस्ट टू यूज द टाइपराइटर. नाउ कम बैक टू चैप्टर 37. बिल्ड अ प्योर वोकैबुलरी. फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. शी इज नीदर मंजू नॉर संगीता. यहाँ पे नॉर है तो नाइदर के साथ हमेशा नॉर का यूज होता है और आइदर के साथ हमेशा और का यूज होता है. ओके, शी इज नीदर मंजू नॉर संगीता. ना तो वो मंजू है और ना ही संगीता है. देयर आर सेवरल बॉयज इन द फील्ड. फील्ड में कई सारे लड़के हैं. सेवरल का मतलब होता है कई. इट इज द बुक दैट यू गेव मी. यहाँ पे दैट क्या है? दैट इज अ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव. ठीक है, यह वो पुस्तक है जो तुमने मुझे दी थी. ही इज अ मैन ऑफ फ्यू वर्ड्स. वो आदमी अपने बातों का धनी इतना धनी नहीं है. वो अपनी कुछ ही बातों पर रहता है. सभी बातों को वो नहीं मानता है. द शिप सस्टेन्ड हैवी डैमेज. शिप को बहुत भारी नुकसान हुआ. मोस्ट ऑफ दीज मैंगोज आर राइप. ज़्यादातर आम पके हुए हैं. द कैट जम्प्ड अपॉन द टेबल. बिल्ली टेबल के ऊपर से कूद गई. द बुलेट पास्ड थ्रू हिज हेड. बुलेट उसके सर पे से गुजर गई. विमेन स्कार्सली लाफ इन दैट एरिया. उस एरिया में शायद ही कोई औरत हंसती है. फ्यू पीपल कैन रिमेन हंग्री. कुछ लोग भूखे रह सकते हैं. ही इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू लिफ्ट दिस बॉक्स. वो इस बॉक्स को उठाने के लिए बहुत काफ़ी स्ट्रॉन्ग है. द सीलिंग इज टू हाई टू टच. मतलब उस छत को छूने के लिए उस छत की ऊंचाई बहुत अधिक है. बींग अ स्टूडेंट ही वॉज नेचुरली इंटरेस्टेड इन बुक्स. एक विद्यार्थी होने के नाते वो पुस्तकों में बुक्स में बहुत इंटरेस्टेड था. नेचुरली बहुत इंटरेस्टेड था. हार्डली आई हैड रीच्ड देयर व्हेन द ट्रेन अराइव्ड. इसका मतलब ये हुआ कि जब ट्रेन वहाँ पे आई तब मैं वहाँ बड़े मुश्किल से पहुँची. बोथ रोहन एंड हिज ब्रदर हैड गॉन. दोनों रोहन और रोहन के भाई दोनों वहाँ से चले गए. अनलेस यू डू नॉट रीड. जब तक तुम नहीं पढ़ोगी यू विल नॉट पास. तब तक तुम नहीं पास होगी. विल यू लाइक टू रीड अ नॉवल. क्या तुम नॉवल पढ़ोगी और अ ड्रामा. क्या तुम नॉवल पढ़ोगी या फिर ड्रामा. द एयर इज मच हॉटर टूडे दैन यस्टरडे. आज बहुत ही गर्म हवा चल रही है कल के कंपेरिजन में. मतलब कल से ज़्यादा गर्म हवा आज चल रही है. दिस इज चैप्टर 38. नोबल विनर्स. राइट द नेम्स ऑफ द फॉलोइंग नोबल प्राइज विमेन विनर्स यूजिंग द हेल्प बॉक्स. नोबल प्राइज़ जो है एनुअली दिए जाने वाला इंटरनेशनल अवार्ड है. और ये अवार्ड एक स्वीडिश साइंटिस्ट थे डॉक्टर एल्फ्रेड नोबल, उन्हीं के नाम पे ये अवार्ड दिया जाता है. और इस अवार्ड की शुरुआत 10 दिसंबर 1901 में हुई थी. शी वॉज द फर्स्ट ईरानियन एंड फर्स्ट मुस्लिम विमेन टू विन द नोबल पीस प्राइज़. ये पहली ईरानी और मुस्लिम महिला थी जिनको नोबल पीस प्राइज़ दिया गया था.
She won the 2003 Nobel Peace Prize. उनको 2003 में Nobel Peace Prize दिया गया था for her work promoting the rights of women and children in her home country. इनको यह award इनके ही होम कंट्री में इनके ही कंट्री में इनके ही देश में इन्होंने अपने ही देश में जो वहाँ की महिलाएं थीं और जो वहाँ के बच्चे थे उनके लिए उनके अधिकार के लिए इन्होंने लड़ाई लड़ी थी जिसके लिए उनको ये नोबेल पीस प्राइज दिया गया था. शी को फाउंडेड द एसोसिएशन फॉर सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रेन राइट्स एंड ह्यूमन राइट्स डिफेंस सेंटर. और ये जो है ये सह संस्थापक थी उसकी एसोसिएशन फॉर सपोर्ट ऑफ चिल्ड्रेन राइट एंड ह्यूमन राइट डिफेंस सेंटर. यहाँ की ये सह संस्थापक थी मतलब ये एक संघ था जहाँ पे बच्चों के अधिकार के लिए मानव अधिकार के लिए ठीक है उसके लिए एक संघ बना था जिसकी ये सह संस्थापक थी. व्हाट इज द नेम ऑफ दैट नोबेल प्राइज विनर. She is Shirin Ebadi. She was the first American woman to win a Nobel Prize in Science. ये पहली American women थी जिनको Nobel Prize मिला था किसमें Science के field में. She won the Nobel Prize for discovering. इनको Nobel Prize किस लिए दिया गया था For discovering the enzymes. इन्होंने एक enzyme की खोज की थी that convert जो कि glycogen को sugar में convert करता था और फिर से sugar को वापस ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता था. ओके हु वॉज शी. शी वॉज गर्टी रैटनेट स्कोरी. शी वन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर. उनको लिटरेचर की फील्ड में नोबेल प्राइज दिया गया था इन 1991. शी पब्लिश्ड हर फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी. इन्होंने अपनी एक पहली छोटी कहानी को पब्लिश किया था एट द एज ऑफ 15. 15 साल की उम्र में ही इन्होंने अपनी एक कहानी प्रकाशित की थी. Her stories show a fine sensitivity to the complexities of human relationship. इसका मतलब ये हुआ कि इनकी जो कहानियाँ रहती थी उनमें रिश्तों की जटिलताओं को मतलब जो लाइफ की जो कॉम्प्लेक्सिटीज हैं उनका मतलब रिश्तों की जो जटिलताएं हैं उनका बड़ी ही खूबसूरती से इन्होंने इनकी इनके कहानियों में इसका बड़ी ही खूबसूरती से वर्णन किया गया है. रिश्तों की जो जटिलताएं हैं उसको उन्होंने अपनी कहानियों में बड़ी ही खूबसूरती से दिखाया है. शी इज ऑफन मिलिटेंटली क्रिटिकल ऑफ साउथ अफ्रीकन लाइफ इन हर फिक्शन. और उन्होंने अपनी कहानी में साउथ अफ्रीका के लोगों की नाजुकता और उनके वहाँ के लोगों में जो जुझारूपन था उसको उसका भी बड़ी ही खूबसूरती से उन्होंने वर्णन किया है. ठीक है मिलिटेंटली का मतलब जुझारू. जुझारू का मतलब किसी वर्ग के लिए बिल्कुल डेडिकेट हो जाना. डेडिकेट होना मतलब कि ये काम मुझे करना ही है. ओके तो हु वॉज शी. शी वॉज नैडीन गॉर्डिमर. शी इनिशिएटेड अ नेशनल प्रोग्राम एस्टैब्लिशिंग स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर चाइल्ड केयर एज अ सोशियोलॉजिस्ट इन द 1930s. मतलब एक समाजशास्त्री के तौर पर 1930 में उन्होंने एक राष्ट्रीय कार्यक्रम स्थापित किया या फिर शुरुआत किया एक राष्ट्रीय कार्यक्रम की शुरुआत की जिसमें उन्होंने बच्चों की देखभाल को देश की जिम्मेदारी बताई. फॉर हर वर्क इन द न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मूवमेंट. उन्होंने मतलब न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मूवमेंट में भी काम किया था मतलब परमाणु निरस्त्रीकरण. न्यूक्लियर डिसआर्ममेंट मूवमेंट का मतलब हुआ परमाणु निरस्त्रीकरण आंदोलन में भी उन्होंने वर्क किया था जिसके लिए उनको 1982 में नोबेल पीस प्राइज दिया गया था. ठीक है हर राइटिंग्स इंक्लूड. इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी हैं जिसमें से एक उनकी बुक का नाम है द गेम ऑफ डिसआर्ममेंट एंड वॉर. एक उनकी पुस्तक का नाम है गेम ऑफ डिसआर्ममेंट एंड वॉर वेपन्स एंड एवरीडे वॉयलेंस. ये उनकी दो पुस्तकें हैं. हु इज ही. एल्वा मैरिडल. सॉरी शी इज एल्वा मैरिडल. नेक्स्ट इज शी इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू द रूलिंग मिलिट्री गवर्नमेंट इन म्यांमार.
शी इज द लीडर ऑफ द ऑपोजिशन टू द रूलिंग मिलिट्री गवर्नमेंट इन म्यांमार। म्यांमार में जहाँ की मिलिट्री शासन था वहाँ पे ये क्या थी, वही की विरोधी दल की नेता थी। एन एडवोकेट ऑफ नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट, और उन्होंने अहिंसावादी विरोध का समर्थन किया। शी वॉज अंडर हाउस अरेस्ट इन यांगन वेन शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज फॉर पीस इन 1991 में जब उनको नोबल प्राइज दिया गया था पीस के लिए, शांति के लिए, तो उस समय उनके ही घर में नज़रबंद किया गया था। यांगन में उनका घर था जहाँ पे उनको नज़रबंद किया गया था, और उसी समय उनको नोबल पीस प्राइज भी मिला था। ठीक है, हु वॉज शी? शी वॉज आंग सैन सू की। शी बिगैन हर लिटरेरी कैरियर विद द पोयम लिसार शैटन। उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में अपने कैरियर की शुरुआत इस पोयम से की थी, लिसार शैटन पोयम से। शी बिकेम अ वेल नोन एक्सट्रीमली कॉन्ट्रोवर्शियल फिगर, और वो एक जानी मानी विवादित साहित्यकारा थी उस समय। ठीक है, बड़े ही मतलब सुर्खियों में रहा करती थी। इन हर होमलैंड विद द पब्लिकेशन ऑफ 3 novels, उन्होंने 3 novels मतलब 3 novel को प्रकाशित किया था, जिसकी वजह से ये काफ़ी उस समय चर्चा में थी। डाई लिभा बेरिनन, डाई ऑसजस पर्टिन एंड सेमी ऑटोबायोग्राफिकल क्लेवियस पायलरिन, ये इनकी 3 novels थी जिनकी वजह से ये बहुत चर्चा में थी। शी वॉज अवॉर्डेड द नोबल प्राइज इन लिटरेचर, और उनको साहित्य के क्षेत्र में नोबल प्राइज भी दिया गया था इन द ईयर 2004 में इनको इसके लिए नोबल प्राइज भी दिया गया था। हु वॉज शी? शी वॉज एल्फ्रेड एलिनिक। हु वॉज शी? शी वॉज एल्फ्रेड एलिनिक। ओके, नाउ चैप्टर 38 इज ओवर। थैंक यू।